खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां रात के समय घर में घुसे सगे भाइयों ने एक महिला को बुरी नीयत से पकड़ लिया। घर वालों के जागने पर एक युवक महिला को छत से धक्का देकर फरार हो गया। मैं अपने शौहर के साथ सो रही थी, मुझे प्यास लगी, मैं नीचे पानी पीने के लिए आई थी। मुझे मेरे चाचा की तरह भैंसियाँ बनती हैं, वो पड़िया खुल जाती है रात में, दूध पीती मैं चाचा के पास अपने फोन कर देती हूँ। उस दिन भी मैं फटफट हो रही थी बहुत, जब भी मैं ये समझी कि खुल गई होगी, मैंने अपनी मोरी खोली, जब दो लड़कों ने मेरे पास हमला कर दिया, जब इन्होंने मेरे साथ में बलात्कार किया, मैं चिल्लानी, मेरे सौहर ऊपर से उतर के आए, फिर उन्होंने एक लड़के को पकड़ लिया, एक ने मुझे ऊपर ले जा कर पीछे फेंक दिया। हाँ, जो लड़के दूसरे को घर वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरीदपुर थाने के गांव महतरपुर निवासी जहीरुद्दीन की 30 वर्षीय पत्नी शबनम को आज सुबह इलाज के लिए पुलिस ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां महिला ने बताया अपने घर की छत पर परिवार के साथ सोई थी, तभी रात के लगभग 11:30 बजे उसकी गली में ही रहने वाला करारुद्दीन और उसका भाई नसीमुद्दीन उसके घर में घुस आए। उनके आने की आहट सुनकर शबनम की नींद खुल गई। उसने समझा कि गाय का बच्चा खुल गया है, वह उसे देखने के लिए छत से नीचे पहुंची। नसीमुद्दीन ने उसे बुरी नीयत से दबोच लिया। खुद को बचाने के लिए शबनम ने शोर मचाया, तब मकान की छत पर सो रहा उसका पति जहीरुद्दीन नीचे उतरा और उसने करारुद्दीन को पकड़ लिया, लेकिन उसका भाई नसीमुद्दीन छत पर भाग गया। शबनम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे छत पर गई तो नसीमुद्दीन ने उसे नीचे धक्का दे दिया और खुद कूदकर फरार हो गया। शबनम घर के पीछे खेत में गिरी और बुरी तरह घायल हो गई। उसके चीखने की आवाज सुनकर पति और घर के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से हालत नाजुक देखकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फरीदपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अपने मेरे फुफेरे भाई, जिसमें एक की उम्र 22 वर्ष है और एक की 15-16 वर्ष है, के ऊपर अपनी पत्नी से दुष्कर्म कर उसको छत से फेंकने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभी तक की छानबीन से पता चला है कि जो महिला है वो फोन से जो 22 वर्षीय युवक है उससे वार्ता करती थी, साथ ही साथ महिला को गाँव में ही बात करते हुए उसके पति के द्वारा देख लिया गया और इस बात से नाराज होकर पत्नी को घर पे बुलाया, साथ ही साथ जो उसका ममेरा और फुफेरा भाई है दोनों को ही उसने घर पे बुलाया और उनसे पूछा कि वो क्यों ऐसा करते हैं और इस बीच दोनों से मारपीट भी शुरू कर दी। जैसे ही मारपीट से बचने के लिए महिला भागी तो जीने से फिसलकर वो गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इसके बाद जो व्यक्ति है उसके द्वारा 112 पे फ़ोन किया गया, पुलिस वहाँ पहुँची और जो स्वतंत्र गवाह हैं उनके द्वारा पूरे घटनाक्रम का जो विवरण है वो दिया गया। पुलिस के द्वारा तहरीर जो पति के द्वारा दी गई उस पर तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभी तक ये तथ्य निकल कर आए हैं कि जो दुष्कर्म है उसकी बात गलत पाई गई है, साथ ही साथ छत से फेंकने की बात भी गलत पाई गई है, क्योंकि जो महिला है वो बचने के लिए जब भाग रही थी मारपीट से तो वो फिसल कर उससे गिर पड़ी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें सभी स्वतंत्र साक्षियों के बयान लिए जा रहे हैं और उसके आधार पर ही इसमें संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो आरोप पति के द्वारा लगाए गए हैं वो अभी तक गलत पाए गए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।